गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बच्चों आपके इंग्लिश फर्स्ट में फोर्थ चैप्टर हो चुके हैं। आज से हम आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वाइंड। बच्चों वाइंड में सबको पता है क्या होता है, हवा। तो बच्चे हवा की एक पोएम है जिसके पोइट यानी कि जिसके राइटर कौन है, जेम्स रीव्स। तो इसे आज हम पढ़ेंगे। बच्चों काफ़ी अच्छी है, हवा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आज हम और जानेंगे। आई कैन गेट थ्रू आर डोर वे विदाउट एनी की। बच्चों जो वाइंड है इसमें अपने मन की बात कह रही है, हवा जो है, हवा आपके मन में क्या बातें होती हैं वो जानिए कि हवा क्या क्या कर सकती है। आई कैन गेट थ्रू आर डोर वे विदाउट एनी की। हवा कह रही है कि मैं बिना किसी चाबी के, बिना किसी की के किसी भी दरवाजे को खोल सकती हूँ। एंड स्टिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री, स्टिप द लीव्स। बच्चों और आगे हवा कहती है कि मैं किसी भी ओक एक ट्री होती है कि मैं उस महान ओक ट्री की पत्तियों को तोड़ सकती हूँ। बच्चों आपको पता है हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते जो है झड़ जाते हैं। तो हवा वही बात कह रही है कि जो है हवा बिना किसी चाबी के गेट के अंदर घुस सकती है और पेड़ों की पत्तियों को तोड़ सकती है। आई कैन ड्राइव द स्टॉर्म क्लाउड। और आगे कहती है हवा कि बच्चों स्टॉर्म क्लाउड का मतलब है कि जब तूफान आता है तो बादल होते हैं ना आसमान में, तो उन बादलों को मैं क्या उड़ा ले जा सकती हूँ, यानी कि मैं उन बादलों को चलाती हूँ, ड्राइव करती हूँ। आपको देखा जब हवा आती है कि हवा से क्या होता है, बादल उड़ जाते हैं। एंड शेक द टॉल टावर्स। बच्चों टावर यानी कि बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, ऊँचे टावर्स होते हैं, कि उनको मैं लंबे लंबे टावर्स को शेक कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। और स्टिल थ्रो द गार्डन एंड नॉट वेक द फ्लावर। और स्टिल थ्रो द गार्डन इसका मतलब है बच्चों कि हवा कह रही है कि जब मैं गार्डन से निकलती हूँ, गार्डन में घुसती हूँ, वहाँ से निकलती हूँ, तो क्या होता है, एंड नॉट वेक द फ्लावर्स। और फ्लावरों को मैं बिना जगाए वहाँ से निकल सकती हूँ, यानी कि गार्डन में से फ्लावर ना हिलें तो मैं वहाँ से निकल सकती हूँ। सीज आई कैन मूव एंड शिप्स आई कैन सिंक। आए कह रही हवा कि मैं जो है जो समुद्र होता है उसमें आपके शिप्स चलते हैं, तो उनमें क्या क्या कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पे कि मैं जो शिप्स होते हैं उनको मैं हवा जो है शिप्स में से, शिप को समुद्र में से क्या गायब कर सकती है। कैसे, जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, शिप जो है पानी के अंदर चले जाते हैं कभी, फिर समुद्र में पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो किस वजह से होता है, हवा की वजह से होता है। आई कैन कैरी ए हाउस टॉप और द सेंट ऑफ अ पिंक। और आगे हवा कह रही है कि मैं क्या करती हूँ, मैं जो हाउस को भी उड़ा देती हूँ, जब जैसे अगर टूटी हुई चीज़ है उसको ऊपर ले जाती हूँ। फिर नेक्स्ट है आई एम एंग्री आई कैन रेयर एंड रॉट। कि मैं जब एंग्री होती हूँ मैं क्या करती हूँ, रेव एंड रॉट, कि मैं गुस्से में बात करती हूँ, यानी गुस्से में बात कैसे करना है, यानी कि तूफान आ जाता है एकदम से और मैं सब रूल्स को तोड़ देती हूँ। यानी तूफान आता है तो क्या होता है, सब हलचल मच जाती है, सब चीज़ उड़ने लग जाती है। तो कह रही जब मैं एंग्री होती हूँ, गुस्से होती हूँ, तो मैं सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ। फिर है एंड व्हेन आई स्पेंट आई लाइक क्वाइट एज क्वाइट। और जब मैं शांत होती हूँ तो मैं बिल्कुल शांत होती हूँ। बच्चों जब हवा बिल्कुल नहीं चलती है तो क्या होती है, एकदम शांति हो जाती है चारों तरफ। तो बच्चों हवा जो है, एयर क्या क्या कर सकती है, आपने इस पोएम में पढ़ा कि वो किसी भी दरवाजे में बिना चाबी के घुस सकती है, वो पेड़ों के पत्तों को गिरा सकती है, वो बादलों को उड़ा के ले जा सकती है, और वो टेल टावर्स जो होते हैं उनको हिला देती है, और वो गार्डन में भी जा सकती है, और वो क्या समुद्र में जो है शिप को भी गायब कर सकती है। और जब हवा गुस्से में होती है तो तबाही मचाती है, और जब हवा शांत होती है तो वो बिल्कुल ही शांत होती है, तो सब में शांति छा जाती है। तो बच्चों आपको कैसी लगे पोएम बताएंगे मुझे, और सब बच्चे अपनी बुक में से पढ़ेंगे। और इसके पोइट कौन हैं, जेम्स रीव्स हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों इस लेसन में क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें बस आपको डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग करने हैं कॉपी में। थैंक यू बच्चों।